राष्ट्रगान पूरा होते ही सभी माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना
अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह को आपने सुना और एक क्रम आपको मंच पर जो नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर इसी क्रम में ये सिलसिला चल रहा है। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अमित शाह को आपने सुना, गांधीनगर गुजरात, शिक्षा बीएससी बायोकेमिस्ट्री। तो नेताओं का बायोडाटा बदलवाना या सियासत की केमिस्ट्री के बारीक समीकरण, सब पर बेहद मजबूत पकड़। अमित शाह, अभी आपने उन्हें सुना और अब नितिन गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नितिन गडकरी, संघ के सबसे करीबी, सियासी फिजा में जब भी प्रधानमंत्री का जिक्र आता है उनका नाम जरूर उछल कर आता है। नागपुर से लगातार तीसरी बार सांसद, सड़कों को बनाने का जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड,
कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से गहरा ताल्लुक, मध्य प्रदेश में जबलपुर ससुराल है, और जेपी नड्डा किसी कुशल संगठनकर्ता की तरह लगातार पार्टी को मजबूत करना, दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बड़े सबसे बड़े संगठन के रूप में इन्हीं के कार्यकाल में बीजेपी पहुंची है। क्रम को देखते रहिए जिस क्रम में अतिथि मंचासीन है। और अब आप श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शिवराज सिंह चौहान दशकों पहले हवाई चप्पल पहने एक लड़का जो अपने ही घर वालों के खिलाफ आंदोलन करता था, उमा भारती के पैर पड़ने पहुंचा, कहा दीदी मुझे बहुत ऊपर जाना है। उमा भारती ने पैर पीछे खींच लिए। शिवराज सिंह चौहान सहजता, सरलता और सहजता सरलता के साथ संगठन जो कहे, एक राज्य के मुखिया के पद को बहुत आसान तरीके से छोड़ देना, और अब दिल्ली की गलियां। श्रीमती निर्मला सीतारमण, I Nirmala Sitaraman do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India
as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will finish faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the sovereignty and integrity of India. That I will finish faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitaraman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. निर्मला सीतारमण पैसे नहीं है चुनाव लड़ने से इनकार, ये कहकर सुर्खियों में आई। रुपया जब अवमूल्यन पर आमादा था, उस वक्त लगाम कसने से लेकर कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का जिक्र, प्याज लहसुन नहीं खाती, ये कहकर विपक्ष के निशाने पर। आई सुब्रमण्यम जयशंकर do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramanyam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Subramanyam Jayashankar, कनपुरिया लैंग्वेज में ज्यादा चौधरी ना बनो बे, इसे पूरी विदेश नीति और कूटनीति के लिहाज से विकसित देशों की जमीन पर बोलना इनके कार्यकाल में आपने सुना। सुब्रमण्यम जयशंकर। श्री मनोहर लाल, मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोहर लाल दो बार हरियाणा की जिम्मेदारी इनके पास रही और अब केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी मोदी के करीबी। जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी गूगल भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाया। इन्हीं फैसलों ने बताया कि बीजेपी ठोस बड़े और कड़े फैसले ले सकती है, लेती है, लेती आई है। मनोहर लाल अब केंद्र में मंत्री। श्री एच डी कुमार स्वामी, हाय अरदनहल्ली देवेगौड़ कुमारस्वामी, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज माय ड्यूटीज एज ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I Aradhanarali Devegowda Kumaraswamy do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री पीयूष गोयल, मैं पीयूष ओम प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पीयूष गोयल पार्टी के फैसलों का न सिर्फ बयानी तौर पर, जबानी तौर पर, बल्कि तर्क के सहारे जवाब देने वाले पीयूष गोयल, सारे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, चाहे वो रेल हो, कोयला हो, वाणिज्य हो, वो संभाल चुके हैं, कारोबारी परिवार से आते हैं, मुंबई से चुनाव जीते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान,